अगली खबर में बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेत्री उमा भारती को लेकर। अमरकंटक जाते समय प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेत्री उमा भारती रविवार को देर शाम डिंडौरी में अल्प प्रवास पर रही। रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जगह जगह शराब बिकने का मुझे बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि मैं शनिवार को धुआंधार भेड़ा घाट में थी। यहां लोगों ने बताया कि गली गली शराब बिक रही है। तर्क यह दिया जाता है कि शराब दुकान बंद है, लेकिन उससे अधिक अवैध शराब बिक रही है। वैध बिक्री भी बंद होनी चाहिए। पार्टी व सरकार पर उन्होंने भरोसा तो जताया, लेकिन ड्राफ्ट को लेकर आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को कार्यक्रम के दौरान, जिसमें बाबा रामदेव भी थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नई शराब नीति लाने के बारे में कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संशोधन कर नई शराब नीति लाएंगे, लेकिन मुझे आशंका है, यह मैं पहली बार कह रही हूं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं चाहती हूं कि ड्राफ्ट देख लूं। उन्होंने कहा कि मैंने शिवराज जी से कहा कि मुझे समय पर ड्राफ्ट को दिखा दे, जिससे संदेह ना रहे और आगे लड़ाई ना लड़ना पड़े। भारती ने कहा कि धुआंधार जैसी पवित्र जगह, जहां माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी है, वहां पर शराब पानी की तरह बह रही है, यह चिंता का विषय है। रेस्ट हाउस में लगभग आधा घंटा बिताने के बाद सड़क मार्ग से ही वे अमरकंटक रवाना हो गई। उन्होंने कहा कि लौटते समय फिर डिंडौरी में रुकूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल में कहा, उन्हें सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। रेस्ट हाउस में पूर्व विधायक दुली चंद उरैती सहित अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर आप तमाम कोशिश कर रही हैं, उसके बाद भी हाँ, मुझे बहुत दुख है, क्योंकि कल जब मैं धुआंधार पे थी भेड़ा घाट में, तो वहां पर लोग बता रहे हैं कि गली गली में शराब बिल्कुल बह रही है और वो सब अवैध है पूरी की पूरी। तो ये जो तर्क है कि अगर हम शराब रोक देंगे तो अवैध शराब बिकने लग जाएगी, तो वो तो पहले ही बिक रही है, बहुत कस के बिक रही है। तो कम से कम वैध बिक्री रुक जाएगी, तो जो वैध से पीते हैं वो तो बंद हो जाएंगे, उसमें से बहुत लोग नहीं पी पाएंगे फिर अवैध तरीके से। तो इसलिए मेरे को खुद भी बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने अपनी पार्टी के नेताओं का भरोसा किया है, अपनी सरकार का भरोसा किया है, क्योंकि उन्होंने 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम किया मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें बाबा रामदेव जी भी शामिल हुए थे, उसमें उन्होंने कहा है कि हम नई नीति में सारे संशोधन कर देंगे। लेकिन मेरे को अब आशंका है, आप समझ गए ना, कि फिर क्या होगा, फिर लड़ाई। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि उसके पहले ही मैं ड्राफ्ट देख लूं। मैंने शिवराज जी से बात की है फोन पे, उनको मैंने कहा कि आप मुझे ड्राफ्ट दिखाना नहीं है और टाइम से दिखा देना है, ये मैंने उनको कहा। और खुलेआम मीडिया में भी आज पहली बार बोल रही हूं, तो कल धुआंधार पे ठीक से लोगों ने रिपोर्ट नहीं दी है। उन्होंने धुआंधार जैसी पवित्र जगह है, वहां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, और वहां सब तरफ कहते हैं गली गली में बिल्कुल पानी की तरह बह रही है शराब। का मेरा, क्योंकि मेरी सुरक्षा की जो व्यवस्था रहती है उसको मैं कभी नकारती नहीं हूं, क्योंकि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था नकली नहीं है, मतलब ऑर्नामेंटल जिसको बोलते हैं, प्रोटोकॉल में नहीं है। मेरे सुरक्षा की कैटेगरी ही ऐसी है, और मुझे कभी सरकार से और पुलिस से कभी शिकायत भी नहीं रही कि उन्होंने मेरी सुरक्षा की व्यवस्था में कमी रखी है, न प्रशासन न सरकार, किसी भी, छत्तीसगढ़ न मध्य प्रदेश। तो उसके कारण मैं अज्ञात में रह नहीं सकती हूँ, आप समझ गए ना। अज्ञात से मतलब था कि ज्यादा मिलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग पीछा कहाँ छोड़ते, देखो यहाँ भी आ गए, मैं 2 मिनट के लिए आई, वो भक्ति आए, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा शांति एकांत में रहूँ थोड़ा, क्योंकि संन्यास दीक्षा का 30वां वर्ष आ गया।